वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके जीरो फाइव व्लॉग। हम बात करेंगे व्लॉगिंग सेटअप के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे ही मतलब एक दिमाग में बैठ गया कि व्लॉगिंग करना है, आपको वीडियो शूट करना, तो यू आपको चाहिए DSLR चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। और व्लॉग आप किसी भी एक डिसेंट जो आपके उसको भी डिवाइस हो जो वीडियो शूट कर पाता है, एक डिसेंट आउटपुट दे पाता हो, उससे आप व्लॉग कर सकते हो। आपका कुछ नहीं था, एक स्टार्टअप तो कर ही सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो अपने चैनल को या अपनी यू नो व्लॉगिंग उसको। और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं इसके पहले जितने भी वीडियोस थे वो मैंने किससे शूट किया था, शूटेड विद माय फ़ोन, एक छोटू सा फ़ोन है, आईफोन SE स्पेशल एडिशन है, जिसका 1.2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा था, सेकेंडरी है 12 मेगापिक्सल, अच्छा आउटपुट देता है, काफ़ी अच्छी एक डिसेंट आउटपुट मिल जाता मुझे इस फ़ोन से। तो मैं इसी से व्लॉग करता था, पर सोचा कि इट्स टाइम टू व्लॉग विद एक्शन कैम, इससे मैं ट्राई करूँ, क्योंकि ये बहुत ही ईजी वे है व्लॉग करने के लिए। इसके क्या बेनिफिट्स है वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और सोचा कि अगर मैं बता ही रहा हूँ तो क्यों ना बाहर जाके मैं व्लॉग करूँ और आपको साथ एक एक्सप्लोर भी करूँ, मैं कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस आपका शेयर करूँ दमन की। तो राइट नाउ आई एम द मोटी दमन फोर्ट। एक्चुअल में दमन दो पार्ट में बटा हुआ है, मोटी दमन एंड नानी दमन, दैट इज नानी दमन एंड आई एम एट मोटी दमन। और मैं अभी फोर्ट पे हूँ, फोर्ट से आपके साथ बात कर रहा हूँ, फोर्ट पे खड़ा होके। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है अगर आपको फोटोशूट्स की यू नो बहुत ही आपको फोटोशूट करना अच्छा लगता है, फोटोज़ खिंचवाना अच्छा लगता है, तो आप आइए यहाँ पे फोटो खिंचवाइए। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ सामने लाइट हाउस है दोनों, द वाइट वन इज़ द ओल्ड, जो छोटा है वो, और जो बड़ा है वो अपना नया लाइट हाउस है। और ये बीच है अपना और ये दमन गंगा रिवर बोलते हैं इसको, जो कनेक्ट करती है, यू नो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड, दिस इज़ अ वेरी गुड एंड पीसफुल प्लेस, बहुत ही शांतिपूर्वक जगह है ये, आप आइए। और अभी मैं पूरा फोर्ट को एक्सप्लोर करूँगा, बट पूरा वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, आपको टाइमलेस में दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा है और इट विल टेक टाइम टू एक्सप्लोर दी पूरा फोर्ट का एक राउंड कंप्लीट करने में। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द टाइम लैप्स, और बीच बीच में जहाँ भी लगेगा आई विल स्टॉप एंड आई विल टॉक एंड आई विल बी इन द फ्रेम, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जैसे या कुछ बताने की प्लेसेस रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉक। टू एक्सप्लोर कि मैं पहले एक्सप्लोर करूँ पूरा यू नो जो आउटर बॉर्डर्स है पूरे फोर्ट का। फोर्ट काफ़ी बड़ा है और टाइमलेस में तो आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम फटाफट, क्योंकि ऑब्वियसली टाइमलेस में लगता है कि बहुत कम है, बट ऐसा नहीं है। इट टुक मी 30 मिनट्स टू कवर द हाफ ऑफ द फोर्ट। एक्चुअली आई वॉज समवेयर ओवर देयर और मैं वहाँ से यहाँ पे आया। और ये जो आपको एक टॉप सा दिख रहा होगा चर्च का, दैट इज़ अ वेरी फेमस चर्च, आप अगर दमन विजिट करो तो प्लीज़ विजिट डेट। और थोड़ा थक सा गया हूँ बट ठीक है, आई एम एक्सप्लोरिंग। और ओके बस फोर्ट पर अगर आप आ रहे हो और पूरा घूम रहे हो तो दिन में आओ, डे लाइट में, क्योंकि नाइट में ऐसा कुछ खास दिखेगा नहीं। और थोड़ा रिस्की है नाइट में आना भी, क्योंकि बॉर्डर्स वॉल्स वगैरह इतने हैं नहीं, तो शायद आप गिर जाओ या कुछ एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे। सो इट्स गुड टू कम इन अ डे लाइट और होप आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी बड़ा है और आगे जाऊंगा धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे। पर सोचा बीच में आपको बता दूँ, मैं थोड़ा थोड़ा यू नो इंफॉर्मेशन देता रहा हूँ मैं। एंड टुडेज व्लॉग इज़ अबाउट दी बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एक्शन कैम, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। और इसके बाद हम जाएंगे एक और फेमस जो जगह है दमन की, वहाँ पे वो एक्सप्लोर करते करते आपको कुछ चीज़ दिखाना भी चाहूँगा। क्या बहुत शानदार से गेट्स बने हुए और मैं वहाँ से आया था एक्चुअली। वीडियो में तो मैं फटाफट आपको कुछ मतलब इतना डिटेल में दिखाऊंगा नहीं,
क्योंकि और भी जगह प्लेसेस मुझे कवर करनी और मेन एक्सप्लोर करना नहीं है। ये तो ठीक है कि आपको मतलब जस्ट टू शो दी क्वालिटी ऑफ दी यू नो फुटेज ऑफ दिस एक्शन कैम्प, मैं ये सब एक्सप्लोर कर रहा हूँ साइड बाई साइड। वहाँ पे भी कुछ बन रहा है अच्छा सा, और वो जो ब्रिज है जो मैं बता रहा था ये रोड वो उसको कनेक्ट करता है, विच कनेक्ट दी मोटी दमन एंड छोटी दमन। और हवा काफ़ी बढ़िया चल रही है और धूप भी बहुत तेज है, शायद आपको दिख रहा हो कैम में। एंड दिस इज द ब्रिज, स्मॉल ब्रिजेस भी है ऐसे बार बार रास्ते में काफ़ी ब्रिजेस आते हैं और काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहे हैं यहाँ टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट। और देखो फिर पूरा ऐसा ही है पूरा कवर करना, और ये पत्थर वत्थर में से यू नो पत्थर वत्थर बहुत है इधर, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर मतलब कंस्ट्रक्शन तो नहीं बोल सकते बट ठीक है, स्लोली स्लोली जो भी जो फोर्ट तो काफ़ी पुराना है ब्रिटिशर्स के टाइम का, बट जो भी इसमें टूट फूट गया है उसको रिपेयर कर रहे थे, रिपेयरिंग एंड मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल। सो बैक टू द लाइट हाउस वाला स्पॉट जहाँ से मैं एंटर हुआ था फोर्ट में, और बस फिर वहीं आके थोड़ा हम इस वाले पार्ट को यहीं स्टॉप करेंगे, यू नो। ये देखो अभी दिस इज़ द रिस्की प्लेस, क्योंकि यू कैन सी द हाइट और यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज वगैरह नहीं है, तो इट इज़ वेरी रिस्की इफ़ यू आर, अगर ध्यान नहीं रहा तो यू कैन फॉल और गिरने के बाद तो आई डोंट नो क्या होगा। लेट यहाँ पे और थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है स्लोली स्लोली, यू नो काफ़ी प्लेसेस बन रहे हैं वॉक करना, अगर आप तो सी साइड पे वॉक करना हो तो उसके लिए भी एक अलग सा रोड बना रहे हैं लोग, डेवलप कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। काफ़ी कुछ हो रहा है दमन में टू अट्रैक्ट द टूरिज्म, पहले ये टूरिस्ट प्लेस ही थी अभी भी है बट ठीक है, काफ़ी नई नई चीज़ें ये लोग अच्छे से डेवलप करके यू नो काफ़ी पीसफुल और ब्यूटीफुल प्लेस बना रहे हैं और ब्यूटीफुल बना रहे हैं ब्यूटीफुल को। तो आइए अगर आप आ रहे हो तो जस्ट विजिट दिस स्पॉट एंड इसके बाद हम एक और जगह चलेंगे विच इज़ वेरी फेमस, क्योंकि दमन में आते तो लोग अधिकतर वहीं मिलते हैं 90%, वो वाली प्लेस पे ले चलूँगा आपको। तो फाइनली द लोकेशन हैज बीन चेंज्ड और मैं दूसरी फेमस जो अच्छी मतलब जगह है जहाँ पे अधिकतर लोग आते हैं, देख ही लिया होगा आपने व्लॉग, मतलब एक जो इससे पहले जो छोटा सा इंट्रोडक्टरी टाइप जो शॉट दिया उसमें आपने देख लिया होगा, बहुत पब्लिक है इधर। दिस इज अ जंपर बीच, ये भी मोटी दमन में ही है। और ये था उस थोड़ा टॉपिक जो था अपना मेन कि एक्शन कैम्प के फ़ायदे क्या क्या है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे थे, ऑलरेडी भी थोड़ा समअप कर दूंगा लास्ट में सब पॉइंट्स जितने भी बेनिफिट्स और जो भी पॉइंट्स है अबाउट द एक्शन कैम्प। बट ये जो प्लेस है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पीसफुल प्लेस है, यहाँ पे लोग आके अपने हिसाब से एंजॉय करते हैं, सम कम्स विद फ्रेंड्स सम फैमिलीज एंड वाटर स्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग सब कुछ हो जाता है इधर पे, घोड़ा गाड़ी बोलते हो हिंदी में, घोड़ा गाड़ी बच्चे लोग करते हो, घोड़ा गाड़ी भी हो जाएगा, हॉर्स राइडिंग भी हो जाएगा, क्रिकेट विकेट जो भी खेलना है खेलो, फोटोग्राफर्स भी घूमते रहते हैं लोकल जो आपको यू नो फोटो क्लिक करके दे देंगे कैमरा में, इट अ गुड कैमरा। सो लेट मी एक्सप्लोर मोर थोड़ा, मैं ये भी काफ़ी बड़ा है एंड दिस इज अ वेरी गुड प्लेस। जरूरी बात है मोबाइल यार, और यस अगर एक पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूँगा, इफ़ यू आर इन अ व्लॉगिंग तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी, पब्लिक के बीच में बिंदास व्लॉग करो कोई नहीं, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना पब्लिक आपको पता है, नोटिस मत करो कि समवन इज़ वॉचिंग यू, इग्नोर, बिकॉज अगर आपने उन्हें ध्यान में लिया तो व्लॉग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर आप मेरे से शाई काइंड ऑफ पर्सन हो तो। एंड देट इज़ अ बोट, आपको एक बोट का राइड भी मिल जाता है, यू हैव टू पे समथिंग सम अमाउंट बट आपको बोट राइड भी मिल जाएगा, अलग अलग बोट्स भी है, बनाना बोट भी है, बहुत सारी अलग अलग है तो डिफरेंट। लेट मी शो यू द पैराग्लाइडिंग वाला सीन कैसे होता है, वो घोड़ा गाड़ी सब, तो ये थोड़ा शॉर्ट एंजॉय कीजिए, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर से।
होप यू एंजॉयड द व्यूज एंड ऑल. सो यस, द फाइनल टॉपिक एंड द फाइनल सम अप ऑफ द वीडियो, जो मेन मुद्दा था व्लॉग करने का, ये पूरा वीडियो शूट करने का, तो दैट इज द बेनिफिट्स एंड द एक्शन कैम. इस जो क्वेश्चन रहता है लोगों के दिमाग में कि सिर्फ DSLR से व्लॉग कर सकते हो, तो पहले तो उसका मैंने वीडियो का सारांश बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ, नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू वॉन्ट अ DSLR, गुड DSLR. यस, DSLR हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ वेरी गुड एंड डिटेल्ड वीडियोज, बट एक स्टार्टिंग के लिए आपको फोन से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रॉम योर डिवाइसेस. और उसके अलावा आप अपने इस एक्शन कैम, मेरे हिसाब से एक्शन कैम इज द बेस्ट थिंग टू व्लॉग, बिकॉज एक्शन कैम में यू कैन, घोड़े ने थोड़ा डरा दिया था, सॉरी, बट एक्शन कैम मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ है दोनों के बीच की, मतलब फ़ोन और DSLR के बीच की चीज़ है इसमें. बट एक्शन कैम से ये बेनिफिट आएगा, थोड़ा सा स्मॉल इन्वेस्टमेंट है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो लेट्स कम टू द बेनिफिट्स, तो सम ऑफ द बेनिफिट्स. सबसे पहला बेनिफिट है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत लाइट वेट है, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो कहीं भी, पॉकेट में भी आप इसको कैरी कर सकते हो. ऐसा नहीं कि लार्ज बैग चाहिए, लार्ज स्पेस लेता है ये कैरी करने के लिए, स्टोरेज के लिए. जैसा इसका वेट बहुत लाइट है, तो आप इजीली इसको यू नो हाथ में पकड़ सकते हो फॉर लॉन्ग टाइम. अगर आपको बड़ा ब्लॉग करना है, एक लॉन्ग वीडियो शूट करना है, तो भी आप कर सकते हो. तीसरा, इसका जो लेंस है वो बहुत ही वाइड एंगल लेंस आता है एक्शन कैम में, इसके कारण आप देख सकते हो कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे का जो पूरा सराउंडिंग है, बहुत ही वाइड सराउंडिंग पूरा इसमें कवर हो रहा होगा. तो ये इसका थर्ड बेनिफिट हो गया. फोर्थ, कि ऑब्वियसली आप ब्लॉग करते हो, आप चाहते हो कि आप सेंटर में हो वीडियो के, तो एक्शन कैम होने का बेनिफिट क्या है कि पता है कि एक ही लेंस है सेंटर में जो आपको कैप्चर कर रहा है, तो आप उसकी तरफ देखते रहो, तो ईजिली आपको ऑटोमेटिकली आपको सेंटर में कैप्चर कर लेगा और बाकी सराउंडिंग में दूसरे व्यूज कैप्चर कर लेता है, दूसरे बैकग्राउंड. तो ये तो हो गए चार बेनिफिट. चौथा इस पर्टिकुलर एक्शन गेम का ये कि एक्शन माइक सपोर्ट करता है, जिसके कारण आप अच्छे से ब्लॉक कर पाओ. और जो माइक इसका नॉइज कैंसिलेशन है, नॉइज कैंसिलेशन सपोर्ट करता है, यानी कि जो सराउंडिंग वॉइस है वो काफ़ी कुछ हद तक आपके ये इग्नोर करेगा और आपके वॉइस को कैप्चर करता है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. और ये तो कुछ बेनिफिट्स हो गए, मैं बता देना चाहता हूँ इसके कुछ एक और बेनिफिट. यस, ये इजिली एंगल अगर आपको चेंज करना है, ब्लॉक कर रहे हो और आपको एंगल चेंज करना है, कुछ सामने के आप बताएं, कुछ किसी और डायरेक्शन में आपको बताया, तो आप इजिली इसको फ्लिप कर सकते हो, यू नो एंगल बहुत इजिली आप चेंज कर सकते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. तब देख पा रहे होंगे एंगल. तो ये कुछ बेनिफिट्स है, मेन पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने, कुछ बेनिफिट्स है. अगर हम बात करते हैं अब इसके कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने, तो वो ये है कि सबसे मेन इसका बैटरी बैकअप बहुत ही कम रहता है. छोटी सी बैटरी है इसकी, छोटा सा गेम है और छोटी सी बैटरी है, 1000 mAh की बैटरी है इस मेरे एक्शन गेम में. कुछ में 900 आता है, कुछ में इससे थोड़ी बड़ी भी आती है. 1080 फ्रेम पर सेकंड पे मैं नॉर्मली वीडियो शूट करता हूँ, ये वाला वीडियो भी उसी फ्रेम रेट पे, तो इसमें मुझे मिल जाता है अराउंड समथिंग 60-80 मिनट्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है. फाइन, इट इज़ ओके. बट अगर आपको ज़्यादातर ब्लॉग, ऑब्वियसली ब्लॉग करते हो तो आप ये टाइम देख के तो चलोगे नहीं, ब्लॉक करने में आपको ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो उसके लिए आप या तो बैटरी, स्पेयर बैटरी आप लेके चले, या तो आप पावर बैंक लेके चलिए अपने साथ, ताकि आपको इंटरप्ट ना हो या अपना वीडियो शूट रोकना ना पड़े. एक और बेनिफिट जिसका भूल गया था, ये हर एक तरह की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने में काम आया है. डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं आपको, जैसे कि टाइम लैप्स हो गया, फोटो लैप्स हो गया, यानी वीडियो लैप्स, फोटो लैप्स, स्टिल फोटोज कैप्चर कर सकते हो आप, साथ ही साथ आप स्लो मो भी कैप्चर कर सकते हो, आप नॉर्मल वीडियो तो रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें भी अलग अलग फ्रेम रेट्स आपके पास, जैसे 1080 फ्रेम, 1080 फ्रेम, 720 फ्रेम, और 4K भी सपोर्ट करता है ये वाला एक्शन कैम. तो 4K में 25 और 30 फ्रेम पर सेकंड पर ये 4K थोड़ा ठीक है, इसका इतना मुझे खास नहीं लगा. इसका 1080 नॉर्मली अधिकतर ऐसे भी 1080 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो शूट होते हैं, तो फॉर दैट रेजोल्यूशन दिस इज द बेस्ट कैम. और अब मैं कौन सा कैम है, कब से कैम कर रहा हूँ, पर अब कौन सा कैम है वो बता देता हूँ मैं. दिस इज एसजे कैम SJ6 लेजेंड. और अगर आप ये सेम एक्शन कैम परचेस करना चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो. इसका एक छोटा सा रिव्यू भी दे चुका था, और इसके माइक में जो काफ़ी विंड कैप्चर करता था, उसके लिए भी उसे कैसे अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है माइक की क्वालिटी का, उसके लिए भी अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो इन माई वीडियोज़, लिस्ट ऑफ वीडियोज़. और बातों में बताना भूल गया, थोड़ा हट के जा रहा टॉपिक से. आई गॉट अ न्यू सनग्लासेस एंड दे आर वेरी गुड. इफ़ यू वांट द सेम सनग्लासेस यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन, द लिंक यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो. आपको पसंद आया तो आप परचेस कर सकते हो, ये वाला नहीं आया कोई और फ्रेम आया तो भी आप परचेस कर सकते हो. दे आर वेरी गुड, आई गॉट इट फ्रॉम द लेंस कार्ड.
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, और अच्छा लगे तो मंगा लो, नहीं तो कुछ नहीं, अपना क्या है। मेरा तो मतलब मुद्दा हमेशा ये मोटिव रहता है कि मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ, इफ़ आई लाइक इट आई विल शेयर विथ यू, इफ़ आई डोंट लाइक इट आई विल नॉट शेयर विथ यू। तो ये अपना मोटिव रहता है हमेशा कि जो भी सही इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाऊँ मैं। तो ठीक है, तो ये तो एक समअप हो गया, एंड यस जो इसका समरी बोल सकता हूँ मैं, या जो कंक्लूजन बोल सकता हूँ, द एक्शन कैम इज़ वेरी गुड फॉर द व्लॉगिंग, यू कैन ट्राई, यू कैन हैव, दिस इज़ अ वेरी बजट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट, बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है अगर आप अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो। तो ये तो हो गया आज के वीडियो की बात, यही मैं समाप्त करता हूँ हमारा वीडियो, आज का जो टॉपिक था यही समाप्त होता है। होप आपको अच्छा लगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मुझे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी आईडीज का नाम आपको दिख जाएगा, तो जाके वहाँ फॉलो कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे फिट स्टे हेल्दी।